नमस्कार, स्वागत है आपका भेरू डॉट कॉम और SBCN टाइम्स में। चुनावी चौपाल के बीच अब हम आ पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 7 में। वार्ड क्रमांक 7 से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी है लक्ष्मीबाई दशरथ जी तेली। पार्टी ने आपको इस बार जो है टिकट दिया है, पूर्व में भी आप पार्षद रहे हैं, इस बार आप वापस जो है चुनावी मैदान में है। किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में? साहब, मैं आपके सामने, मेरे को जनता पार्टी सर या BJP ने मेरे को टिकट दिया, तो मैं जनता की सेवा के लिए पूरा सहयोग करती रहूँगी और जो भी समस्या होगी वो सब ये जनता की मैं पूरी करूँगी क्या। और ये राज्य सरकार, ये जो केंद्र सरकार में जो भी सभी योजना चलेगी तो वो साथ रहकर मैं सभी की सुविधाओं में कराऊँगी। जहाँ तक मुझे पता है, आप काफ़ी लंबे समय से जो है भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं और महिला के पदों पर जो है आप भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पर भी रहे हैं। कितने समय से आप राजनीति में सक्रिय हैं और किन किन पदों पर रहे हैं? मैं 25 साल से सक्रिय हूँ पार्टी में। पहला मैं महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष रही, फिर शिक्षा समिति में मैं अध्यक्ष रही और अभी भी मैं शिशु मंदिर के उनमें भी मैं अभी अध्यक्ष हूँ और पूर्व पार्षद भी रही। अच्छा, अगर जनता आपके ऊपर विश्वास जताती है तो क्या ऐसी समस्याएं जो है आपके वार्ड में अभी भी बनी हुई है जिनका आप निराकरण करेंगे? अभी भी बहुत भी समस्या बता रहे हैं जनता, जो उनकी मैं सभी समस्या में साथ रहकर ही पूरी करूँगी और पूरा सहयोग जनता का मैं खड़ी रहकर करूँगी और उनके साथ रहूँगी। ये थे हमारे साथ में लक्ष्मी देवी जी, जिनका कहना है कि अगर जनता इनके ऊपर विश्वास जताती है तो पूर्व में जिस तरह से पार्षद पद पर रहते हुए ने क्षेत्र में विकास कार्य किए थे जो उनको जारी रखेंगे और वापस जो है क्षेत्र में काफ़ी विकास कराएंगे। हमारे साथ में दशरथ जी भी मौजूद हैं जो पूर्व में पार्षद पति रहे हुए हैं और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में राजनीति में सक्रिय हैं। वापस पार्टी ने है जो विश्वास जताया है क्या? मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूँ जो पार्टी ने हमारे गरीब परिवार के ऊपर विश्वास किया है। मेरी पत्नी लगातार 25 साल से, 5 साल पहले 2005 से 2010 के बीच में पार्षद रही, उसके बाद भी निरंतर भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रहकर पार्टी की हमने सेवा की, तो उस सेवा को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण हम पर विश्वास जताया। क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं जिनका अगर आप जीतते हैं? अभी वर्तमान में समस्या हमारे प्रमुख रूप से साफ सफाई की बहुत समस्या है, बहुत भारी समस्या है। साफ सफाई की बराबर सफाई होती नहीं है, पूरा वार्ड गंदगी से भरा हुआ है। ये थे हमारे साथ में दशरथ जी तेली, इनकी मिसेज जो है लक्ष्मी देवी जो है भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि अगर जनता जो है दोबारा से अगर इनके ऊपर विश्वास जताती है और अगर ये क्षेत्र इस वार्ड से पार्षद बनते हैं तो क्षेत्र की जो तमाम समस्याएं हैं, चाहे गंदगी, बिजली, पानी, जो भी है, तमाम समस्याओं का निराकरण इनके द्वारा जनता के लिए किया जाएगा। इस वक्त भेरू डॉट कॉम के साथ में आकाश श्रीवास्तव। नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद है वार्ड क्रमांक 7 के कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी मोनिका महेंद्र सेन। इनको जो है कांग्रेस ने इस बार प्रत्याशी बनाया है, आपको पार्टी ने टिकट दिया है, आप लगातार जनता के बीच में जा रहे होंगे, किस तरह की समस्याएं लोगों को आ रही है? क्रमांक 7 से मोनिका महेंद्र सेन, मुझे कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा घोषित किया गया है। मैं जो भी राज्य सरकार द्वारा जो भी योजना आएगी उन योजनाओं को वार्डवासियों के सामने रखूँगी और उनके घर घर जाके बताऊँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि उनको सारी योजनाओं को लाभ मिले। ये थी हमारे साथ में मोनिका महेंद्र जैन, जिनका कहना है कि लगातार जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जो भी शासन की योजनाएं हैं, उनको वार्डवासियों तक ये पहुँचाएंगे अगर जनता इनके ऊपर विश्वास करते हैं। हमारे साथ महेंद्र जी सेन भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। महेंद्र जी, आप क्या कुछ कहेंगे वार्ड में जो है जनता ने आप पर, पार्टी ने आप पर विश्वास जताया, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता का मुद्दा तो यही है कि बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएँ हैं वो जनता तक पहुँचें, जैसे उनका जन्म प्रमाण पत्र हो गया, मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया और जैसे उनका राशन कार्ड हो गया, ये ऐसी समस्याएं हैं जो उनके वार्डवासियों के सामने हैं, वो उनका हम तुरंत जो भी निराकरण होगा वो तुरंत करेंगे। अच्छा, वार्ड क्रमांक 7 में आप लगातार जनता के बीच में भी जा रहे होंगे, संपर्क कर रहे होंगे, किस तरह की समस्याएं अभी भी वार्ड क्रमांक 7 में बनी हुई है? सफाई की बहुत बड़ी समस्या है, उसको हम इमिडिएटली 15 दिन के अंदर सारी जो गंदगी, अगर हमें आशीर्वाद मिलता है तो वार्ड क्रमांक 7 में जो भी साफ सफाई की जो भी है 15 दिन के अंदर वो सारी समस्याएं हल कर देंगे। ये थे हमारे साथ में महेंद्र जी सेन, जिनका कहना है कि तमाम जो समस्याएं हैं उनके निराकरण की बात इनके द्वारा कही जा रही है। और वार्डवासियों को हम पे गर्व होगा क्योंकि हम 6 महीने के अंदर ये जो सारी समस्याएं हल करेंगे और उनको जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका हल करेंगे और उनको गर्व होगा कि हमने एक अच्छे शिक्षित प्रत्याशी को चुना है।
ये थे महेंद्र जी सेन, जो बता रहे हैं कि अगर जनता इन पर विश्वास जताती है तो अल्प समय में ही जो है ये सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे। हमारे साथ इनके छोटे भाई सुधीर जी सेन भी मौजूद हैं, जो लगातार लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हैं और एक युवा चेहरा होने के बावजूद काफ़ी कम समय में इन्होंने कांग्रेस में एक अच्छा नाम बना लिया है। इनसे बात करेंगे किस प्रकार की स्थिति वार्ड में। जी बताएँ। वार्ड में अभी जर्जर अवस्था में सड़कें, सीढ़ियाँ और गंदगी है, इन सभी का निराकरण तुरंत रैपिड एक्शन के तहत किया जाएगा। और जो भी समस्याएं हैं वार्ड में, छोटी छोटी समस्याएं जिनमें लंबा समय लगता है, वो समस्याएं तुरंत निराकरण करेंगे। अच्छा, अभी वार्ड में अगर आपको जनता, आप लगातार आप जनता के बीच में जा रहे होंगे, कोई बड़ी समस्याएं क्या आ रही है, पानी वगैरह, सड़क क्या आ रही है? जनता का आशीर्वाद तो हमें मिल रहा है, और बड़ी समस्या तो क्या है, जर्जर सड़कें और सीढ़ियाँ। उसके अलावा भी लोगों के राशन कार्ड वगैरह, ये सारी समस्या लोगों की महत्वपूर्ण समस्या है, इनका निराकरण तुरंत किया जाएगा। ये थे हमारे साथ में कांग्रेस के प्रत्याशी, जिनका कहना है कि अगर जनता इनके ऊपर विश्वास जताती है तो ये तमाम जो समस्याएं जो वार्ड में बनी हुई है, अल्प समय में ही उन तमाम समस्याओं का निराकरण इनके द्वारा किया जाएगा। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि चुनाव के समय जनता किस पर अपना विश्वास जताती है। इस वक्त भेरी डॉट कॉम के साथ में आकाश श्रीवास्तव।